Hello students, today we are going to look at a very fresh chapter, that is chapter 2, Parts of a Computer. In this chapter, we will learn about what is hardware. Hardware kya hota hai, iske baare mein padhenge. Hardware, computer ke jo bhi hardware parts hote hai, unke baare mein padhenge. Aur keyboard ke baare mein padhenge. Keyboard mein keys kitne saare hote hain. Aur कितने सारे जितने भी कीज़ हैं, जितने तरह के भी कीज़ हैं, इन कीज़ का क्या काम है उनको जानेंगे. फिर सीपीयू बॉक्स, जिसे हम सीपीयू कैबिनेट भी कहते हैं, ठीक है, CABINET कैबिनेट, इसे कैबिनेट भी कहते हैं, तो उस कैबिनेट को भी हम लोग पढ़ेंगे. उसके अंदर में उसके अंदर क्या क्या होता है उसे भी जानेंगे. और जो भी और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सॉफ्टवेयर, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर का कोई भी हार्डवेयर फंक्शन करेगा ही नहीं, वो काम नहीं करेगा. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों सॉफ्टवेयर को हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे. ओके, सो अ कंप्यूटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स एट वर्क टूगेदर. दिस इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज कंप्यूटर सिस्टम. तो कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम एक कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के साथ साथ और भी वेरियस पार्ट्स होते हैं जिन जो साथ में काम करते हैं कंप्यूटर के. तो इस वजह से उस जैसे कंप्यूटर मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, इन सब को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं. और दो चीज़ें होती हैं, दो बेसिक पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर का. एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर. ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें होती है कंप्यूटर का. दो भागों में हमने बांटा है कंप्यूटर को समझने के लिए, एक हार्डवेयर और एक दूसरा सॉफ्टवेयर. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन हार्डवेयर. सो हार्डवेयर रिफर्स टू द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच. यानी कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं. जैसे इसे आप देख सकते हो, मॉनिटर को आप टच भी कर सकते हैं, माउस भी आप देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, और भी चीज़ हैं. और बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं. ओके, और जो मेन चीज़ जो होता है सीपीयू, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, वो भी इस सीपीयू बॉक्स के अंदर में होता है, मदरबोर्ड में लगा हुआ, राइट. और ये इसके अंदर जो भी चीज़ है ये तो हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं है. ओके, सो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये सब हमारे लिए विजिबल हैं. ओके, सो ये हार्डवेयर हो गए. और भी चीज़ हैं जो हार्डवेयर हैं बट वो विजिबल नहीं है, जो इस सीपीयू बॉक्स के अंदर है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, कीबोर्ड. कीबोर्ड सबसे कॉमन हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हेल्प से क्या होता है कि हम हर तरह के डेटा को एंटर कर पाते कंप्यूटर में. ओके, हर तरह के डेटा को, जिसे भी टाइप करना है हम टाइप करके उसे दे देते, फीड करते हैं. और कीबोर्ड हैज़ अ नंबर ऑफ कीज विच आर अरेंज्ड इन रोज एंड ब्लॉक्स. When we type text or numbers by pressing these keys, we enter them into the computer and the keyboard has 5 types of keys. और यही हम बात कर रहे थे कि कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, कीबोर्ड में कितने तरह के कीज़ होते हैं. तो पहला है वो नंबर कीज़, फिर दूसरा है अल्फ़ाबेट कीज़, फिर है फंक्शन कीज़, फिर एरो कीज़, फिर स्पेशल कीज़, फिर सो अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? ऑब्वियसली हमें पता है कि इंग्लिश में जब ए टू जेड हम बात करते हैं ए टू जेड के बारे में, तो ए टू जेड कितने होते हैं? 26 होते हैं. तो वैसे ही इसमें भी टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, और इन जम्बल्ड मैनर ये अरेंज्ड है, मतलब कि प्रॉपर वे में नहीं है ये. जैसे कि यहाँ ए है तो यहाँ बी है, यहाँ सी है तो यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, राइट. सो इस तरह से ये है अरेंज्ड है. एंड और इन कीज़ के हेल्प से हम वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंसेस टाइप कर सकते हैं. फिर आते हैं फंक्शन कीज़. फंक्शन कीज़ क्या होते हैं? 12 फंक्शन कीज़ होते हैं. आप कीबोर्ड अगर आपने देखा है, सो आपने
इनकी इसको ज़रूर देखा होगा, F1, F2, F3, F4, F5, राइट। और हर एक की का अपना एक फंक्शन होता है, और इन सब कीज़ के बारे में अगले क्लासेस में, आने वाले क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू स्पेशल कीज़, और कुछ स्पेशल कीज़ होते हैं अदर देन लेटर्स और नंबर्स, उनको छोड़कर भी और भी चीज़, और भी कीज़ होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनको देखते हैं। सो पहला है एंटर की, ओके। सो पहला है एंटर की, सो एंटर की देख लेते हैं। सो द एंटर की इज़ यूज टू टाइप फ्रॉम अ न्यू लाइन। अगर नया लाइन से आपको लिखना है, पैराग्राफ चेंज करना है, तो फिर एंटर दबा सकते हैं, ओके। ये काम है एंटर की का। फिर है स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या है कि अगर आपको कुछ लिखना है और थोड़ा सा स्पेस देना है, जगह देना है, जैसे आपने लिखा द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, सो द के बाद एक स्पेस होना है, थोड़ा सा जगह देना है, तो आप स्पेस बार की दबाएंगे। फिर लिखना है PART पार्ट, फिर उसके बाद फिर स्पेस देना है, तो ये स्पेस बार की दबाएंगे, ओके। और ये सबसे लंबा जो की होता है ये स्पेस बार की ही होता है, ये आपको याद रखना, इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, राइट, ओके। नाउ मूविंग ऑन, फिर है कंट्रोल की। और आप अगर कीबोर्ड को ध्यान से देखेंगे तो आपको दो कंट्रोल कीज़ नज़र आएंगे, एक लेफ्ट एक राइट साइड में, आपको दोनों तरफ आपको मिलेगा। और दोनों का ऐसे बात नहीं कि दोनों दो मौजूद है तो दोनों का अलग अलग है, नहीं, दे प्ले द सेम रोल। नाउ मूविंग ऑन टू सिंबल कीज़, जो भी साइन वगैरह पंक्चुएशन वगैरह है उनके लिए भी कुछ कीज़ दिए हुए हैं, है ना, जैसे कि डबल कोट्स है, सिंगल कोट्स है, अपोस्ट्रॉफी है, ब्रेसेस है, यानी कि ब्रैकेट्स वगैरह, यहाँ पे इस जगह देखिए, फिर एक्सक्लेमेशन है, ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, ओके। ऐसे कुछ को कुछ में कुछ को आपको शिफ्ट के साथ, अगर शिफ्ट के साथ आपको यूज़ करना, अगर आपको कुछ यूज़ करना है, ओके। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी ऊपर में जो भी है, लेट मी जूम इन थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा, है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क को अगर आपको आप चाहते कि इसे आप वर्ड में इंक्लूड करें, फॉर एग्जांपल आपने कुछ सेंटेंस लिखा लाइक व्हाट इज़ योर नेम, राइट। सो इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क डालना है इस तरह से, तो विद हेल्प ऑफ स्विफ्ट और इसकी को एक साथ दबाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, फिर हम माउस, कीबोर्ड के बाद हम लोग आते हैं माउस पर। सो माउस इज़ अ स्मॉल इनपुट डिवाइस, और ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ओके, एंड इट हेल्प्स अस टू डू डिफरेंट टास्क। अब एक चीज़ कन्फ्यूज नहीं होना है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हार्डवेयर को आउटपुट समझने लग जाते हैं, है ना, और फिर सॉफ्टवेयर को इनपुट समझने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये जो भी चीज़ों की सॉफ्टवेयर इनपुट है ये गलत है, ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि हार्डवेयर में कीबोर्ड भी है, माउस भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये हार्डवेयर है तो ये आउटपुट है, नहीं। ये जैसे मॉनिटर, ये हो सकते कि आउटपुट है और हार्डवेयर भी है, बट इट डजंट मीन दैट कोई भी हार्डवेयर वो इनपुट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ओके। सो ये माउस इज अ स्मॉल इनपुट डिवाइसेस, इट्स ऑल डिवाइस एंड इट हेल्प्स अस टू डू डिफरेंट टास्क। और अभी आज की जो भी माउस है इसमें दो बटन से, एक लेफ्ट और राइट में, और बीच में एक स्क्रॉलिंग होता है, स्क्रॉल बटन दिया हुआ रहता है, जिससे आप अप डाउन कोई भी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, या फिर कुछ भी चीज़ ब्राउज कर रहे हैं तो गूगल पर, तो ऊपर से नीचे ब्राउज करने के लिए, फॉर ब्राउजिंग दैट यू कैन स्क्रोल, यू कैन यूज़ द स्क्रोल बटन, ओके। और नाउ प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन इज़ कॉल्ड क्लिक। अगर आपने एक बार दबाया और फिर छोड़ा, उसे क्लिक कहते हैं। और जब जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट बटन आपने एक बार क्लिक किया तो उसे हम सिंगल क्लिक कहते हैं, और तुरंत उसको दो बार क्लिक किया तो फिर उसे डबल क्लिक कहते हैं, राइट। ऐसे
लेफ़्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट क्लिक हो गया, राइट बटन पर क्लिक करना होगा तो उसे हम राइट क्लिक कहेंगे। सो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आउटपुट देता है हमें, है ना, ये आउटपुट देता है हमें, और इसे हम लोग जो भी विजुअल्स हैं उन्हें देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स, वर्ड्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, फिल्म्स, कार्टून, इन सबको देखने के लिए हम लोग मॉनिटर करते हैं हम सब। एंड देन देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर, एक है LCD, वन इज़ LCD एंड अदर वन इज CRT। सो LCD, द फुल फॉर्म ऑफ LCD इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, और ये पतला और स्लिम, एकदम छोटा स्लिम होता है ना। और एक हाथ है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जो कि आज के तारीख में दिस हैज़ बिकम ऑब्सोलीट, नॉट ऑब्सोलीट बट इट विल बी सून ऑब्सोलीट फ्रॉम द मार्केट। एंड मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत कई जगह मैंने देखा है कि LCD हैज़ रिप्लेस्ड CRT। ओके, आई होप यहाँ तक जितने भी हमने टॉपिक्स को छुए आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन एंड हूएवर हैव माय व्हाट्सएप नंबर कैन व्हाट्सएप मी। ओके, सो थैंक यू फॉर द क्लास।